जा रहे हैं बेस्ट प्राइस शॉपिंग करने। दिल्ली से निकल गए हैं, घर जाना है, अमेरिका रुके हैं, बेस्ट प्राइस की थोड़ी सी शॉपिंग कर लें फिर घर जाएंगे। हाँ जो लेना ले लो फटाफट से, ठीक है। घर जा रहे हैं, तब मैं आपको याद हमने क्या क्या चीजें ली है। वो हेलो फ्रेंड्स, दिल्ली से हम लोग घूम कर आ गए हैं, तो वहाँ पे हमने शॉपिंग करी, थोड़ा सा घूमे फिरे, पर घर आ गए एज़ यूजुअल वही सारे काम शुरू हो जाते हैं। तो अब ये देखिए, ये हमारा बैग रखा है जो अभी ये भी सेट करना है, ये नीचे फुटवेयर्स का बैग है, इसे भी सेट करें। और आते वक्त हम मेरठ रुक गए थे बेस्ट प्राइस पर, वहाँ पर हमने थोड़ी सी घर की शॉपिंग करी थी, तो ये सारा सामान अब लगाएंगे, किचन में सारा सेट करेंगे। तो अभी धीरे धीरे लगते हैं, अभी तो फ़िलहाल रिशित ने कहा है कि मुझे आप जो ये मैं लेकर आया हूँ, कह रहा है पहले तो मम्मा मुझे ये बना के दे दो, उसके बाद आप अपना का सारा काम शुरू करना, और बस पहले बच्चों को स्नैक्स वगैरह या वो दे देते हैं। तो ये टाइट भी आया है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई हैं, तो ये सारा कुछ अभी सेट करना है। पर पहले ऋषित को मिल्क देती हूँ मैं केलॉग्स वाला, और उसके बाद ये सब कुछ सेट करूँगी। आज थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा अभी थोड़ा सा वर्क, क्योंकि किचन में भी जाने से एक दिन पहले मैं घर का ग्रॉसरी आइटम भी लेकर आई थी, ये राशन भी लाई थी, ये भी सारा सेट करना है। जो अचानक से प्लान बन गया था तो ये सेट नहीं हो पाया था, तो पहले चेक करूँगी पहले का क्या क्या रखा है, उसे कंटेनर में डालूँगी और फिर ये सारा स्टोर करूँगी। और अभी फिर किचन का भी वर्क है, और दो सामान अभी सेट करने हैं मुझे, एक जो मैं आज लेकर आई हूँ बेस्ट प्राइस से, और एक ये जो मेरा कल जो जाने से पहले मैं ये लेकर आई थी ग्रॉसरी आइटम, ये भी सारी सेट करनी है। उससे पहले भी पहले मैं ऋषित को मिल्क देती हूँ और उसके बाद सारा काम सेट करती हूँ। आज किचन भी बहुत फैली हुई है, क्योंकि बस लंच करते ही हम थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था कि अब सारा काम करते हैं। ये फ्रूट लूप्स फर्स्ट टाइम लेकर आए हैं बच्चे, देखो अब इसका टेस्ट कैसे आता है। ये मिल्क मैंने डाल दिया, अपने आप ऐड कर लेगा जितना भी ऐड करना है उसने। भाई लूप बाउल के अंदर डाले, बाउल के बाहर डाले हैं, इतने सारे ज्यादा नहीं डाल दिए बेटा आपने। चलो अब इसके साथ खेलो मत, इसे खा लो, पता नहीं कैसे। मैं आपको दिखाती हूँ मैं आज क्या क्या आइटम्स लेकर आए हैं। ये आया है पीनट बटर जो सन ड्रॉप का, लास्ट टाइम हम लाए थे वीबा का, वो हमें इतना टेस्टी नहीं लगा था, तो इस बार हम ये वाला ही लेकर आए हैं जो हम हमेशा यूज़ करते हैं, तो वो ही अच्छा लगा। टॉप की सॉस केचप आई है, ये बाथरूम क्लीनर, ये रतलामी से जो दो पैकेट, ये पोहे पे डाल के बहुत टेस्टी लगती है, कभी आप ट्राई करिएगा कि पोहे पे डालो तो ये बहुत टेस्टी लगती है। वैसे भी आप ऐसा नमकीन भी खा सकते हैं, पर पोहे पे डाल के तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और आज तो सबसे ज़्यादा शॉपिंग करी है रायशा ने अपने स्नैक्स की, इसके मैं दो पैकेट लेकर आई हूँ, तो क्योंकि हमारे घर सभी पोहे पे डाल के
ज़्यादा कुछ होके खाते हैं। ये मम्मा के लिए ये न्यूट्री चॉइस के बिस्किट, और ये राइशा ने लिए अपने लिए ओरियो के बिस्किट, उसने ये वाला फ्लेवर टेस्ट नहीं करा था। ये डबल स्टफ है, डबल स्टफ ओरियो है, वो ये वाला लेकर आई है अपने लिए। और ये बच्चे लाए हैं कौन कौन से, एक आया ये हर्षी का मिल्क शेक, अच्छा। और ये देखो अलग अलग चीज़ें ट्राई करेंगे इस बार, ये नेस्कैफे का, और ये डिज्नी का है, ये फर्स्ट टाइम आया हमारे घर में, डिज्नी डिलाइट मिल्क शेक चॉकलेट फ्लेवर। और देखो इसमें ये भी लेकर आई है राइशा, और हर्षी का एक तो कौन सा वाला, एक ये वाला फ्लेवर लाया है हर्षी का, ये है मिल्क शेक कुकीज़ एंड क्रीम। और जो पहले मैंने आपको दिखाया था वो आलमंड फ्लेवर है, ये एक आलमंड फ्लेवर का और एक ये, ये दोनों बच्चे लाए हैं अपने लिए। वो सबकी दो दो क्वांटिटी है, हर चीज़ की दो दो क्वांटिटी आई है, ये देखिए सबकी दो दो क्वांटिटी आई है। और क्या आया है, ओके एक ये वाला फ्लेवर भी आया है स्ट्रॉबेरी, और ये दो पेप्सोडेंट। सारा सामान मुझे अलग अलग करना पड़ेगा, किचन का अलग, और जो बाथरूम का होता है और जो हमारा इसका यूज़ है ये मैं अलग रखती हूँ। ये बॉर्नविटा के बिस्किट्स, ये भी बहुत टेस्टी लगते हैं, ये बॉर्नविटा के छोटे वाले पैकेट, ज़्यादातर कोशिश रहती है छोटे पैकेट ही लो, क्योंकि बड़ा खोलो तो ज़्यादा खाया जाता है। और किसान जैम, क्योंकि अब बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो ब्रेड जैम बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। अगर आप ब्रेड पर देना नहीं चाहते तो जैम को कभी पराठे पे लगा के खा के देखिए, उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ये आई है मैगी, मैगी आई है, ये इसके थोड़े से ज़्यादा पैकेट्स आए, तो ये सारा मैं भी सारा सॉर्ट आउट करूँगी। ये मैगी के पैकेट्स आए, ये मूव फिनिश हो गई थी, एक ये मूव आई है, शैम्पू लॉरियल का तो मैं लेकर आई हूँ इस बार, मैं ये ट्रेस्मे का ट्राई करने का सोच रही, तो मैं पाउच ही ले आई थी कि यूज़ करके देखूँगी कैसा, मेरे भी मुझे सुनने में इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, तो थोड़े से ये वाले पाउच लेकर आई हूँ। कंडीशनर भी लाई हूँ, ये कंडीशनर है, ये कंडीशनर है, और ये शैम्पू है इसका ट्रेस्मे का ही। और ये फेस वॉश आया पॉन्ड्स का, तो ये मैंने बहुत टाइम पहले यूज़ करा था, तो इस बार मुझे लगा मैं दोबारा से यही वाला लूँ पॉन्ड्स का चारकोल वाला, तो ये बहुत अच्छा है, पर बहुत टाइम से यूज़ नहीं करा तो अब पता नहीं कैसा लगेगा, ट्राई करेंगे दोबारा से। और ये आए हैं बच्चों के लिए अमूल चीज़, बॉर्नविटा, ये दोनों पैकेट्स बच्चों ने लिए अपने लिए, जो हम भी खाएंगे बच्चों के साथ। और ये तो मैंने खाली कर दी सारी, इन बल्क में ले लेते हैं, कभी कोई घर में गेस्ट भी आता था तो ब्रश आपके पास ज़्यादा होने चाहिए जो फिनिश हो गए थे। और सबके घर में मेरी कोशिश रहती है एक महीने बाद या 15 दिन बाद ब्रश हम चेंज कर लेते हैं। और ये किचन की भी आइटम चाहिए चाहिए, दो पैकेट मैंने लिए ये टाइट के, बेस्ट प्राइस पे ना स्कीम होती है कि जो दो पैकेट लिए थे क्योंकि दो पे डिस्काउंट ज़्यादा था, एक लेते तो कम डिस्काउंट मिलता। दो पैकेट ये मैंने लिए सर्फ के, ये एक पैकेट अंदर रखा गया, एक ये बाहर रखा गया, एक ही जगह कर दूँ मैं ये देखिए ये दो पैकेट सर्फ के आए हैं, स्पाइस बटर मिल्क। कभी कभी लस्सी बनाने का टाइम जैसे नहीं होता या कभी 12 बजे के आसपास मन करता है पीने का, तो पापा एक इसमें से निकाल के ले लेते हैं, हम भी ले लेते हैं, ये सबको बहुत टेस्टी लगती है, तो एक पैकेट इसका आया है।
रायशा की और ऋषभ की। रायशा की तो ज़्यादा कुछ नहीं करी थी क्योंकि इसके बर्थडे पे इसकी बहुत सारी शॉपिंग हो गई थी, तो इस बार मैंने इसके लिए टी शर्ट ली है, ये वाला। तो बहुत अच्छी लग रही थी टी शर्ट, एक ये टी शर्ट ली है और एक ये वाली ली है। अभी राइचा ने ट्राई करी थी टी शर्ट्स, ये यूनिकॉर्न इसका फेवरेट। तो ये दो टी शर्ट राइचा ने ली है और सबसे ज़्यादा शॉपिंग जो हुई है वो ऋषिक की हुई है। राइशा की जो दो टी शर्ट आई है वो सेंटर मार्केट से हमने खुराना से ली है, और जो ऋषिक की ली है, जो जीन्स ली है उसने वो शो ऑफ से ली है, और जो टी शर्ट्स ली हैं वो चुनमुन से ली है। एक टी शर्ट इसने ये वाली ली है इसकी निकलोडियन की ली है टी शर्ट, ये बहुत अच्छी लग रही थी पहनी हुई जब उसने ट्राई करी थी। बहुत स्मार्ट लग रहा था एलफी। समर के लिए वाइट कलर सबसे अच्छा है, कूल कलर है एकदम। एक ये टी शर्ट इसने ये शो ऑफ से ली है इसकी कैंडी की, ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। ये सारे समर कलर्स हैं। इसका कॉलर बहुत अच्छा लग रहा था, आप देखिए देखो, और इसके यहाँ बना हुआ है देखो, ये बहुत प्यारी लग रही थी पहनी हुई। और क्या लिया है ऋषिक ने, एक ये टी शर्ट लिया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये टी शर्ट भी चुनमुन से ही ली है, एक ये टी शर्ट ली है, मतलब इसमें तीन फोर टी शर्ट्स ली है ऋषिक ने। तीन तो मैंने अभी आपको दिखाई, एक ये टी शर्ट और ली थी, ये निकलते निकलते बाद में बहुत अच्छी लगने लगी, फिर ये एक टी शर्ट लिया। मैं आपको दिखाती हूँ, ये अटैच्ड है, ये इसमें हुड है, ये इसका हुड बना हुआ है, ये यहाँ से निकल जाता है हुड अगर आपने निकालना हो तो। और ये इसके अंदर सैंडो है, ये देखिए ये सैंडो है, और ये बाहर से कुछ ऐसा प्रिंट दिखता है, ये अंदर सैंडो है, वो भी अच्छी लगी थी ये वाली दुकान में। और ऋषित ने लिया एक नाइट सूट, नाइट सूट जो उसने लिया वो शॉर्ट्स वाला लिया, उसके यहाँ शॉर्ट्स वाला नाइट सूट नहीं था, तो एक ये भी चुनमुन से ही लिया है। बहुत कूल पीस लग रहा था, और कल उसने ना चेंज करके यही पहन लिया था इसके साथ, ये शॉर्ट्स है, बहुत स्मार्ट पीस लग रहा है। ये शॉर्ट्स है, ये इसकी शॉर्ट्स है, और ये भी है, ये जीन्स ली है, वो तो सिंपल बेसिक जीन्स ली है उसमें, और एक शॉर्ट्स, एक ये वाली शॉर्ट्स ली, ये हमने पापा के लिए ली है, ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। मोस्टली सारी शॉपिंग इस बार चुनमुन से ही हुई है, और कहीं नहीं गए थे, इतना टाइम नहीं था, बस यही सारी शॉपिंग कर ली है इस बार हमने। तो फ्रेंड्स कल मिलूँगी मैं आपसे। आज का मैंने आपको दिखाया कि मैंने हमने क्या क्या शॉपिंग करी, क्या क्या परचेज करा, घर का सामान जो करा, ग्रॉसरी का करा, जो शॉपिंग करी दिल्ली से सेंटर मार्केट से, वो सारी मैंने आपको दिखाई। अब बज रहे हैं शाम के 6 o'clock, तो अब मैं फटाफट से ये सारा सामान सेट करती हूँ, तो मैं आपसे कल मिलूँगी। और ये रायशा ही है, रायशा क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। चलो तो हम आपसे मिलेंगे कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी मैं ये जितना भी सारा सामान है इसका सेटअप कर लूँ, क्योंकि फिर हो जाएगा डिनर टाइम, उससे पहले मुझे ये सब कुछ सेट करना है। लॉन्ड्री बास्केट में मैंने सारे जो आपको आपको थोड़ी सेट कर, जो लॉन्ड्री एरिया के जो क्लोथ्स थे जो डर्टी थे, तो वो तो मैंने सारे अलग कर दिए, और ये जो अब नए क्लोथ्स आए इन्हें भी अलमीरा में सेटअप करें, और किचन में ग्रॉसरी आइटम भी अभी रखी है वो भी सारी सेट करनी है, और उसके बाद डिनर का टाइम हो जाएगा, इसलिए फटाफट से उसे करते हैं। अबे सुन जाएगा। आपने आप तो चले जाओगे बेटा खेलने, मुझे तो आप 7 o'clock चले जाना, उससे पहले मैं ये सारा कुछ सेटअप कर लूँ, इतना मैं रायशा को देती हूँ सबसे पहले मिल। तो टिल देन के लिए बाय।